गुरुदेव, एक प्रश्न है श्रद्धालु का कि क्या पशुओं की भी आत्मा भटकती है? क्योंकि ये तो भूत दुनिया होती है ना। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। अब इसमें क्या है, देखो, चाहे वृक्ष हो, चाहे हम लोग शरीर, देखो सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम तेन मोहयन्ति जंतु। अज्ञान में सभी लोग जी रहे, पशु भी जी रहे हैं, तो मनुष्य कौन से, मनुष्य तो पशु से भी ज्यादा निष्ठा पे जा रहा है। तो हम लोग जो मूल रूप से कौन है ये समझना तो केवल मनुष्य के पास इतना विवेक बुद्धि होती कि शरीर और आत्मा ये दो तत्व है। शरीर एक आवरण है, एक वस्त्र है, भगवद गीता में लिखा है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे नर है, मनुष्य है, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अय्यानि सहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। इस प्रकार से देह जो है, एक पुराने देह को त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण करता है। तो हम भी पुराने शरीरों को त्याग त्याग चुके हैं, इसके पहले भी हमारे शरीर रह चुके हैं। ये नया शरीर हमें मिला है, ये पुराना होगा और हमें एक दिन इसको त्यागना पड़ेगा। इतना विवेक जो है जिस व्यक्ति के पास होता है वो व्यक्ति विवेकवान माना जाता है। परंतु ये परमात्मा की माया ऐसी है, अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, अज्ञान का जो आवरण ऐसा पड़ा हुआ है, इस देह को ही और देह के संबंधों को ही स्थाई समझ लेते हैं, इसी को सत्य मान लेते हैं, और इसके कारण ये समस्या उत्पन्न होती है। फिर हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो मनुष्य हूं, मेरी तो आत्मा, जैसे कहते हैं मेरी आत्मा, मेरी आत्मा ये अशुद्ध शब्द है, मेरा शरीर ये शुद्ध वाक्य, ये है शुद्ध शब्द है ये आत्मा। हम शरीर मानते हैं तो मेरी आत्मा कहते हैं, क्योंकि हम आत्मा है मेरा शरीर। शरीर और आत्मा का अंतर इतना समझना बहुत आवश्यक है। तो शरीर जो है वो सदैव जड़ होता है, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे पशु का हो, और उसमें जो आत्मा है, चाहे वो चींटी की हो, हाथी की हो, मनुष्य जो किसी किसी भी शरीर में हो, जो आत्मा है वो एक समान होती है। तो उसकी जो गति होती है वो समान रूप से सबकी एक जैसी होती है। जैसे एक उदाहरण भागवत महापुराण में आता है कि अंतकाल में राजा भरत हिरण का स्मरण करते हैं और हिरण के शरीर को धारण करते हैं, हिरण की योनि में चले जाते हैं। अभी हमारी एक श्रद्धालु है, वो उसने ध्यान में उसको मंत्र वगैरह दिया तो उसने अनुभव किया कि उसकी कोई रिलेटिव रही होगी तो वो चूहिया की योनि में चली गई, चूहिया जो होती है उसकी योनि में चली गई, उसको ध्यान में अनुभव आया। तो उसने मुझसे यही प्रश्न किया था, गुरु जी क्या ये लोग इस पशु योनि में चले गए, हमारे रिलेशन में थे पहले, अब ये पशु योनि में चले गए तो इनकी भी सदगति हमको करनी पड़ेगी क्या? एक प्रश्न उसका था, क्योंकि बोले मुझे ऐसे ध्यान में मुझे दिखा, ऐसा अनुभूति हुई उसको। तो जन्म लेने के बाद उनके कर्मों का हम लोगों से कोई संबंध ही रहता है, वो पितर हमारे रहते नहीं है, फिर भी हम लोग जब संकल्प करते, तर्पण करते, ये जन्मनी अन्य जन्मनी बांधवा, ये इस जन्म के या पिछले जन्म के बंधु हुए हैं उनको भी हमारे ये जो है जल प्राप्त हो, तो उनको हमारे शुभ कर्मों का फल मिल सकता है, तर्पण श्राद्ध आदि ये सब चीजें उनको प्राप्त होती, सदगति हो सकती है। और जो पशु शरीर में चले जाते हैं, अगर हमारे कोई परिवार के सदस्य पशु योनि में चले जाते हैं तो उनकी उनके लिए हमें उस दिन, जैसे मान लो कि अगर हम श्राद्ध तर्पण करते तो उनको वो अन्न जल प्राप्त होता है, उनको विशेष सुविधा प्राप्त हो सकती है। परंतु चूंकि पशु योनि जो होती है वो भोग योनि होती है, भोग योनि मतलब उनको केवल उस पशु योनि में जाना है और अपने कर्म का फल भोगना है, वो नए कर्म कर नहीं सकते, तो इसीलिए उनको उनकी जो है सद्गति और दुर्गति या प्रेत योनि आदि ये सब चीजों का कोई संबंध नहीं होता, ये सिस्टम में चलते हैं। यहाँ से मुक्त हो गए, उनका उनका एक पहले तय होता है कि भाई आपको इस योनि में जाना पड़ेगा, इतने दिन इस योनि में रहना पड़ेगा, वो वहां पे जो एक अलग लोक होता है, अलग व्यवस्था है। जैसे आप लोग सरकारी विभाग में हो तो आप लोगों का कहीं ना कहीं कि फलाने का कहाँ पे नौकरी लगानी है, कहाँ किसको ट्रांसफर करना है, तो उसका कहीं ना कहीं विभाग होता है, ऐसा ही इसका भी विभाग होता है, तो उनको वो मिलता है। तो उनके इसमें ये नियम लागू नहीं होता, वो प्रेत आदि योनि में उनका ऐसा कुछ नहीं रहता है, शरीर छूटा, कर्म के अनुसार शरीर छूटता है। मनुष्य पर ये नियम लागू होते हैं क्योंकि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल का नहीं लेकिन कर्म करने का अधिकार होता है।
तो कर्म करके हम लोग प्रेत योनि में भी जा सकते हैं, अकाल मृत्यु भी हो सकती है, अकाल मृत्यु को टाल भी सकते हैं। अगर मान लो हमारे कुंडली में या हमारे प्रारब्ध में कोई दोष है तो भगवान की भक्ति करके उस दोषों को समाप्त भी कर सकते हैं। फिर ऐसा नहीं होता तो फिर मंत्र साधना का मतलब ही क्या रहता। अगर मान लो हमारे कुंडली में कुछ दोष है, हमारे प्रारब्ध में दोष है, हमें कर्म में दोष है, तो उस दोष का शमन यदि हम नहीं कर सकते तो फिर ये सारे मंत्र क्यों होते, स्तुति क्यों होती कि भाई ये स्तुति पढ़ने से आपके ग्रह दोष बाधाओं का निवारण होता है ये मंत्र। अगर मान लो हमारे कुंडली में कुछ दोष है, हमारे प्रारब्ध में दोष है, हमें कर्म में दोष है, तो उस दोष का शमन यदि हम नहीं कर सकते तो फिर ये सारे मंत्र क्यों होते, स्तुति क्यों होती कि भाई ये स्तुति पढ़ने से आपके ग्रह दोष बाधाओं का निवारण होता है, ये मंत्र जपने से बाधाओं का निवारण होता है। शास्त्रों में जब वर्णन आया है तो सत्य है ना, तो केवल मनुष्य ये कर सकता है, पशुओं के लिए नियम लागू नहीं होता। पशुओं का कोई प्रेत योनि में चले जाएंगे, ऐसी योनि में चला जाएंगे, अकाल मृत्यु हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बस केवल ये है कि अगर आपके पूर्वज यदि किसी पशु योनि में या किसी योनि में है, अगर उनके अगर आप संकल्प करते हैं और उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण अन्न जल देते हैं तो वह उनको सूक्ष्म रूप से उसी रूप में प्राप्त होता है जैसे पशु योनि में, तो उनको चारा या पानी के रूप में मिल जाएगा, उस दिन उनको स्पेशल कोई चीज मिल जाएगी, ऐसा होता है। तो ये ठीक है, लेकिन हमें भी ये चीजें समझनी पड़ेगी, अपनी भी विवेक बुद्धि को जागृत करना पड़ेगा कि हम जिस शरीर में हैं ये हम आत्मा रूप में हैं, और ये शरीर हमने धारण किया है, पहले भी धारण किया था, पुराना हुआ उसको त्याग दिए, अभी शरीर को धारण किया, अब हमें कर्म करने के लिए शरीर मिला है, अब ये पुराना होगा तो इसको भी हम त्याग देंगे। इतना विवेक जो है सबके अंदर होना चाहिए, तो वही मनुष्य है, वही बुद्धिमान है, वही विवेकवान। अब केवल शरीर को ही मैं मान के बैठ जाना और फिर इसी अर्थ प्राप्ति में, काम और विलासिता में ही जीवन को सार्थकता मान लेना, धर्म और मोक्ष को भूल जाना, ये भी पशु का ही जीवन है। तो ये भगवान फिर उनको दंड स्वरूप में फिर जो है निम्न योनि में डाल देते, लेकिन पशुओं का ऐसा नहीं होता। पशुओं की जो है एक प्रकार से उनका कर्म भोग के कारण उनको श्रेष्ठ योनि मिलने लग जाती है, और वो ऐसे प्रेत आदि योनियों में नहीं जाते।